everyone, this is me Shubhi Upadhyay. Welcome back to my YouTube channel and welcome to a new video. So today in this video, I'm going to tell you all about some last month tips because your boards are literally not more than in 2 to 3 weeks. And these are some of those tips which also helped me to score 97% in my class 10th. And I hope that these will be helpful for you all too. So yeah, without any further ado, let's get started. Okay, so the first tip that I'm going to tell you all is to do your NCRT. आई नो बहुत लोगों ने आपको ये सेम चीज़ बोली होगी कि एन सी आर टी पढ़ो एंड मैं भी आप लोग को ये सेम चीज़ ही बोलूँगी कि एन सी आर टी ही करो बिकॉज फॉर मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स एन सी आर टी इज़ लिटरली मोर देन इनफ. लाइक हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर क्वेश्चन, आई एम नॉट सेइंग सारे, बट मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं वो फ्रॉम बैक एक्सरसाइज ही आते हैं. लाइक डायरेक्ट जो क्वेश्चन गिवन होते हैं वही क्वेश्चन आ जाते हैं. सो इसलिए मैं बोलूँगी कि आप एन सी आर टी को बहुत ही अच्छे से थरली अगर आप पढ़ के जाते हैं हिंदी की तो आप बहुत ही आराम से, बिकॉज बैक क्वेश्चन अगर आपने देखे होंगे तो वो बहुत ही आसान होते हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं होते हैं हिंदी में. तो अगर आप एन सी आर टी बहुत ही अच्छे से पढ़ के जाते हो हिंदी की तो आप बहुत ही आराम से सारे क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो. इवन जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आते, आई एम सॉरी, सो इवन जो क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं भी आते हैं पेपर में, आप उनका भी आंसर बहुत ही आराम से दे सकते हो अगर आपने एन सी आर टी अच्छे से पढ़ी है, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हिंदी के लिटरेचर सेक्शन में नहीं आते हैं. देन टॉकिंग अबाउट, आई एम सॉरी फॉर दैट डिस्टर्बेंस. सो एज आई वॉज टेलिंग यू अबाउट द सेकेंड सब्जेक्ट दैट इज़ द एस एस टी. लिटरली एस एस टी की चारों, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स के लिए एन सी आर टी बहुत ही इनफ रहती है. मैंने खुद केवल एन सी आर टी ही पढ़ी है. एंड लाइक अगर मैं हिस्ट्री की बात करूँ तो मैंने एन सी आर टी कम से कम 2-3 बार खुद से पढ़ी, उसे अंडरलाइन करा, उसके शॉर्ट नोट्स बनाए, बिकॉज हिस्ट्री से एज यू नो कहीं से भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है. डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत ही कम होते हैं जो आए पेपर में हिस्ट्री में से, बट अगर आपने हिस्ट्री के एक एक फैक्ट को, एंड लाइक अगर आपने एन सी आर टी को भी बहुत थॉरली पढ़ लिया ना तो आप आराम से क्वेश्चन के आंसर्स लगा सकते हैं. सिविक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो डायरेक्ट ही आते हैं उठ के, लाइक जैसे कि एन सी आर टी में बहुत सारे पॉइंट्स गिवन होते हैं ना कि अगर एक कैंडिडेट को वोटर बनना है तो क्या उसको क्राइटेरियाज लाइक यू नो फॉलो करने के, तो 5-6 पॉइंट्स वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाएगा उठ के. हिस्ट्री में ऐसे बिल्कुल डायरेक्ट नहीं आते हैं, बट सिविक्स में आता है. मैंने हमेशा एन सी आर टी में से पढ़ा, उसी में नोट्स बनाए एंड उसी में से लर्न करी चीज़ों को, अपने माइंड में कॉन्सेप्ट्स को बिठाया, यू नो स्टोरीज को विजुअलाइज करके फॉर्म करा. सो उसी से ही मैंने सारे आंसर्स निकाले हैं. सो आई वुड से कि केवल एन सी आर टी पढ़ के आप बहुत ही आराम से चीज़ें कर सकते हो. एंड ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स भी अगर आप यू नो बहुत डीपली अगर आप केवल एन सी आर टी पढ़ लेते हो सो दैट विल बी मोर देन इनफ एंड आप बहुत ही आराम से आंसर्स दे सकते हैं. टॉकिंग अबाउट मैथ्स, लिटरली मैथ्स में से पूरा पेपर उठ के आता है, बिकॉज मैंने सैम्पल पेपर्स जितने सॉल्व करे एंड इवन जो हमारा खुद का पेपर आया था अगर मैं उसकी भी बात करूँ ना तो सेम क्वेश्चंस आते हैं, पूरे के पूरे सेम क्वेश्चंस. बड़े वाले तो ऑलमोस्ट सारे ही सेम क्वेश्चंस आते हैं, जो छोटे क्वेश्चंस होते हैं उनमें ओनली एंड ओनली डिजिट्स या तो चेंज हो जाती हैं या लैंग्वेज थोड़ी सी यू नो चेंज कर देंगे, बाकी और कुछ डिफरेंस नहीं आता. एंड पूरे पेपर में वही सेम क्वेश्चन आ जाते हैं. सो आई वुड से कि डू एन सी आर टी एंड बहुत आराम से आप पूरा पेपर करके आ सकते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट टिप इज टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज पर योर मार्किंग स्कीम. बाय नाउ दिस टाइम बहुत लोग हैं जो भी सैम्पल पेपर्स वगैरह सॉल्व कर रहे होंगे एंड मार्किंग स्कीम्स भी ऑलरेडी अवेलेबल हैं बाय द सीबीएसई. सो वन थिंग दैट आई विल रिकमेंड यू ऑल इज जो चैप्टर्स जो कि 5 मार्क्स के हैं या उससे अबव आ रहे हैं या 3 मार्क्स के अबव जो भी सारे चैप्टर्स हैं, आप उनके इंडिविजुअल क्वेश्चंस भी सॉल्व कीजिए. फॉर एग्जांपल इन इंग्लिश एंड एसएसटी में लाइक इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री आर द 2 थिंग्स जिसमें मैं थोड़ा सफ़र करती थी, तो इनके मैंने इंडिविजुअल चैप्टर्स के क्वेश्चंस भी लगाए हैं. लाइक जैसे इकोनॉमिक्स सच अ थिंग कि कहीं से भी घुमा के क्वेश्चन उठा सकते हैं, डायरेक्ट जो आप सोच सकते हो ना क्वेश्चंस वो कभी भी नहीं आएंगे पेपर में. मेरे केस में हमेशा यही होता था कि लाइक जो डायरेक्ट मैं क्वेश्चन सोचती थी वो डेफिनेशन में तो कुछ आता ही नहीं था एंड वो घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ रहे थे जिसका मैं आंसर जनरली अपने आप से नहीं निकाल सकती थी. तो दैट इज़ वाई वॉट आई थॉट आफ्टर प्री बोर्ड वॉज कि मैं उनके इंडिविजुअल क्वेश्चन लगाऊंगी सो दैट मुझे पता हो कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है जेनरली पढ़ने के लिए और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, सो दैट मैं जिस पे फोकस करना है केवल उसी पे ही फोकस करूँ. द सेम थिंग फॉर हिस्ट्री ऑल्सो, बिकॉज हिस्ट्री इतनी वास्ट है आपको नहीं पता कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं और क्या चीज़ें जो है गिवन ही है लेकिन उससे इंपॉर्टेंट कुछ लाइक उसके अराउंड कुछ भी क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं. सो दैट इज़ वाई जो इंपॉर्टेंट लाइक हिस्ट्री का हमारा एक चैप्टर था वो बहुत ही वेटेज, हाई वेटेज का था पूरे पेपर में, तो मैंने उस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन
ऐसा नहीं बोल रही, बिकॉज जो क्वेश्चंस वाली बुक्स होती है ना उनमें बहुत बहुत क्वेश्चंस गिवन होते हैं, तो अगर आप अभी के टाइम में सारे क्वेश्चंस करवाने बैठोगे ना तो टाइम वेस्ट ही है सच्ची में। तो मैं ये नहीं बोल रही कि सारे क्वेश्चंस आप लिख लिख के करो, नहीं, बट एटलीस्ट आप उन्हें रीड करो, आप अपने माइंड में बनाओ, जो क्वेश्चन में आपको थोड़ा डाउटफुल है उसको लिखो, प्लस ऐसी बुक्स में पीछे आंसर्स भी गिवन होते हैं तो आप उनसे अपने आंसर्स चेक करो, या फिर आप खुद से जो भी क्वेश्चन कर रहे हो आप उनके आंसर्स भी यू नो वेरीफाई कर सकते हो कि अच्छा मैं इसमें क्या और एड ऑन कर सकते हैं ये चीज़। सेम थिंग लाइक इंग्लिश के कभी भी क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आते हैं, इंग्लिश के मोस्टली क्वेश्चंस बहुत ही डीप मीनिंग वाले आते हैं, एंड दिस इज द थिंग, मैंने खुद, मेरे को पोम्स के जैसे क्वेश्चंस होते थे या एक दो वो चैप्टर ना होते ही है जो थोड़े ट्रिकी से होते हैं, आप समझ नहीं पाते हो कि लाइक उन चैप्टर्स में हमें पढ़ना क्या है, कि कैसे क्वेश्चन आएगा, तो ऐसे चैप्टर्स के लिए आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, आप मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग ही कीजिए, सो दैट जो हाईएस्ट मार्किंग स्कीम लाइक हाईएस्ट मार्क्स वाले जो चैप्टर्स हैं आप उनकी थोड़ी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें एंड उनमें मैक्सिमम आप अपना गेन कर सकें। सो द थर्ड टिप इज़ टू फॉलो अ रूटीन। बहुत आपके पेरेंट्स भी ये चीज़ आपको बोलते होंगे एंड बहुत बड़े लोग भी बोलते हैं, लाइक सारे लोग यही बोलते हैं कि एक रूटीन फॉलो करो। ओके, सो रूटीन फॉलो करने से क्या होता है ना, आप एक माइंड सेट बन जाते हैं। लाइक मैंने अभी इस वाले टाइम पीरियड पे जब मेरा था, मतलब लास्ट ईयर जब मैंने बोर्ड्स दिए थे, तो इस वाले टाइम पीरियड के अराउंड मेरा ये था कि मैंने वो बना रखा था कि मुझे 6 घंटे कम से कम दिन में पढ़ना ही पढ़ना है। तो मैं अभी जैसे इस वाले टाइम पे मैं क्या कर रही थी, मैं सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करती थी, तो मैं 2-2 घंटे के 3 सेट्स लगा लेती थी कि 2-3 सैम्पल पेपर मेरे को सॉल्व करने ही करने हैं एक दिन में कम से कम। तो 3 सैम्पल पेपर इज़ लाइक इनफ एंड 2-2 घंटे के होते ही हैं, तो 6 घंटे में आराम से पढ़ लेती थी और मुझे नहीं पता चलता था, बिकॉज बाकी के पूरे दिन मैं इन्जॉय कर रही थी। सुबह उठी, 2 घंटे पढ़ ली, दोपहर में 2 घंटे पढ़ ली, शाम को 2 घंटे पढ़ लिया, कुछ नहीं है मेरे पास बाकी पूरे दिन करने के लिए। देन वो मेरा इंडिविजुअल मेरा खुद का वो है कि मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ क्वेश्चन, या मैं और सैम्पल पेपर्स लगा रही हूँ, या जहाँ मेरे वीक पॉइंट्स हैं वो मैं कर रही हूँ, बट एटलीस्ट एक मेरे पास एक मिनिमम टास्क रहेगा कि मुझे कम से कम, इवन जो बिजी वाले दिन होते हैं कि आपके पास और भी कुछ काम है या घर में कोई फंक्शन है कुछ भी, लेकिन आपके पास एक मिनिमम टास्क रहेगा कि आपको 6 घंटे पढ़ के ये काम कंप्लीट करना ही है, सो दैट आप रोज की जो डेली स्टडी है ना वो मिनिमम आप करोगे ही करोगे एंड आप मिस नहीं करोगे। सो आई वुड लाइक टू से इज टू नेवर मिस मैथ्स। मैथ्स आपको रोज करनी ही करनी है, आप 1 घंटे करो, आप चाहे सैम्पल पेपर सॉल्व करो, आप क्वेश्चन लगाओ, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन करो, आप फॉर्मूले रिवाइज करो, आप कुछ भी करो, एग्जाम्पल लगाओ, जो भी करना है करो, बट आपको रोज डेली टू डेली मैथ्स करनी है, बिकॉज अगर आप उसको एक पॉइंट पे पीछे कर दोगे ना फिर वो और पीछे 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 ही होती जाएगी एंड आप उसके बहुत सारे कंसेप्ट छूट जाएंगे एंड आपको नहीं याद रहेंगे। मैं तो एक्चुअली उस टाइम पे लाइक ट्यूशन देती थी मैथ्स के, तो डेली मुझे जाना ही होता था, रोज मेरा 1 घंटे का मैथ्स का ट्यूशन होता ही था, तो मैथ्स में क्योंकि पढ़ के आ रहे हो आप 1 घंटे, उसके बाद होमवर्क भी मिलता था तो वो भी करना है, तो एक मेरी डेली मैथ्स की प्रैक्टिस एक लगी हुई थी। मेरे मैथ्स में काफी अच्छे मार्क्स आए थे, 97 आए थे, विच इज लाइक प्रिटी गुड। सो इसीलिए मैं बोलना चाहूंगी सबको ही, इवन दो मैथ्स अभी मेरा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है जो मतलब मेरा है, मैं रखती हूँ, बट स्टिल जिनका नहीं भी है, अगर आप डेली मैथ्स प्रैक्टिस भी करोगे ना, एनसीईआरटी भी करोगे ना, मैंने खुद एनसीईआरटी करी है, कोई भी रेफरेंस बुक नहीं करी, एनसीईआरटी एंड सैम्पल पेपर्स बस। ओके, सो द फोर्थ टिप इज टू सॉल्व सैम्पल पेपर्स। आई नो बहुत बच्चे अभी सैम्पल पेपर्स ही सॉल्व करे होंगे, बट जो बच्चे नहीं कर रहे हैं उन्हें मैं यही बोलूंगी दैट यू आर मिसिंग एट सम पॉइंट एंड यू आर लैकिंग बिहाइंड। आई एम नॉट सेइंग लाइक मैं किसी को नीचे नहीं दिखाना चाह रही हूँ, बट इस पॉइंट तक आप लोग को भी सैम्पल पेपर्स ही रिवाइज करनी चाहिए। वाई? बिकॉज इट ब्रिंग्स यू अ हैबिट ऑफ राइटिंग ऑल्सो। मैं अगर आपको बताऊँ, मेरे प्री बोर्ड से पहले मैंने बिल्कुल भी सैम्पल पेपर्स नहीं करे थे एंड दैट इज़ वाई मेरे हिंदी के पेपर में अराउंड 8 मार्क्स तो मेरे पेपर छूट ही गया था, विच इज़ अ रियल बैड थिंग, एंड इसलिए मैंने उसके बाद से सैम्पल पेपर्स बहुत सारे करे एंड हर सब्जेक्ट के करे। सो इसलिए मैं बोलूँगी बिकॉज सैम्पल पेपर से एक तो आपको ये पता चलता है कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, किस फॉर्म में आ सकते हैं, कौन से चैप्टर्स हैं जिनके बड़े क्वेश्चन बन सकते हैं, कौन से जिसके छोटे बन सकते हैं, कौन सा टॉपिक है जिस जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। ऑल्सो टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से आप कर लेते हो कि अगर बस 2 घंटा है या 3 घंटे, जितने का पेपर है हमारा 2 घंटे का था, बिकॉज लाइक हमारा होता ना टर्म 1 टर्म 2 वाला था, तो इसलिए हमारा 2 घंटे का था, बट अगर सपोज आपका 3 घंटे का है तो आप टाइम मैनेजमेंट बना के चलोगे कि यार ये वाला पार्ट में मुझे इतने घंटे में करना है, बिकॉज एटलीस्ट कम से कम आपको 2 बार अपना पूरा पेपर रिवाइज करना ही चाहिए। सैम्पल पेपर जितने ज़्यादा करोगे आपकी स्पीड इंक्रीज होगी, आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पता चलेंगे कैसे वाले आते हैं, कौन से आते हैं, एंड वो आगे जाके आपके लिए ही बेनिफिशियल होंगे। लाइक मैंने उस वाल की एक बुक खरीदी थी फॉर लाइक 3-4 सब्जेक्ट्स के लिए मैंने ली थी, वो SST एंड हिंदी, नहीं सॉरी SST इंग्लिश
मैथ्स एंड साइंस चारों सब्जेक्ट्स के लिए मैंने वो उस वाल की बुक ली थी सैम्पल पेपर की एंड इट वॉज रियली हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो बिकॉज उसमें कम से कम 15 कुछ सैम्पल पेपर्स थे एंड मैं कम से कम डेली 2 से 3 सैम्पल पेपर जैसे मैंने बताया कि 3 सैम्पल मैंने डेली के डेली करने होते थे उसके बाद मैं एक्स्ट्रा किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन या वगैरह वो अलग से मैं लगा लेती थी. लास्ट बट नॉट द लीस्ट स्टेप इज टू नॉट टेक स्ट्रेस. Literally, boards are considered as a very big taboo. Even my parents also used to say ki boards hai. But very fortunate enough, meri ek elder sister hai, jo where she is always with me to you know calm down with me. Nahi, koi nahi, boards hai, chill. Bahut badi cheez nahi hai, tu aram se kar legi. And that is why main literally bahut hi chill behavior rakhti thi. Aap khud mano, main literally do ghante padhti thi bas. पूरे दिन में मैं कम से कम 1 से 2 घंटे अपने लिए फ्री भी निकालती थी जिसमें मैं निष्ठा जो मेरी फ्रेंड है उससे मिलने जाती थी या फिर लाइक उसके साथ बातें वगैरह कर ली और गाने सुन लिए, अपना लैपटॉप में कुछ देख लिया, वीडियो एडिट कर ली, यूट्यूब किया, ये सब कर लिया. सो कम से कम मैं अपने लिए 1 घंटा पूरे दिन का रखती थी कि जिसमें मैं यू नो चिल करूँ, रिलैक्स करूँ, अपने माइंड को थोड़ा सा टाइम दूँ कि वो चीज़ों को इवॉल्व कर पाए, एब्जॉर्ब कर पाए. इट्स नॉट दैट यू हैव टू स्टडी 12 आवर्स और लाइक यू नो होल डे टू अचीव अ वेरी गुड ग्रेड. मेरे अकॉर्डिंगली बहुत ही अच्छे मार्क्स आए थे एंड मैं पूरे दिन बिल्कुल भी कभी नहीं पढ़ी. ओके सो वही मैं बोलूँगी दैट इट्स नॉट कि आपको पूरे दिन पढ़ना है. यू ओनली हैव टू स्टडी इफेक्टिवली एंड एफिशियंटली एंड व्हाट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर योर पेपर्स एंड दैट्स हाउ यू स्कोर वेरी अमेजिंग मार्क्स. सो या दैट वॉज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू ऑल फाइंड इट हेल्पफुल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कैच यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.